तो गाइज एक बार लॉन्च करते इसको विदाउट एसी में। अब जो पहले दिखा रहा था वो मैं एसी में था, अभी विदाउट एसी में देखते हैं कैसी पावर है, कैसा क्या है। लेट्स हाय गाइज, वेलकम टू बर्निंग व्हील्स। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ बर्निंग व्हील्स। व्हाट इज दिस चैनल अबाउट, मैं सबको बता देता हूँ कि ये चैनल होने वाला है अबाउट कार्स, अबाउट बाइक्स, अबाउट ड्राइविंग दिस ऑसम मशीन्स। एंड आज हमारे पास सबसे पहली गाड़ी जो हमारे चैनल पे आ रही है वो है, मतलब मेरी गाड़ी है, एंड दिस इज रिज। सो गाइज दिस वीडियो इज़ अबाउट शुड यू बाई रिट्स इन 2023। तो रिट्स गाइज 2009 में आई थी एंड 2016 तक ये चली है, एंड इसका एक फेस लिफ्ट आया था 2013 में। और उसमें क्या हुआ था गाइज, ये जो फॉग लाइट वाला सेक्शन है ये थोड़ा बदल गया था, इस टाइप में आ गया था। मैं फ़ोटो शेयर कर दूंगा उसका। बाकी पूरा जो इंजन वगैरह है वो सेम था, और थोड़ा सा इंटीरियर चेंज हुआ था, बाकी पूरी गाड़ी सेम थी। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास कौन सा ये मॉडल है एंड कौन सा वेरिएंट है। तो सबसे पहले दिस इज़ अ 2011 कार एंड इट इज़ अ VXI वेरिएंट। तो VXI X स्टैंड्स फॉर पेट्रोल इन मारुतीज नोमेनक्लेचर। सो दिस इज़ अ पेट्रोल कार एंड इट्स अ मिडल वेरिएंट। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लुक्स ऑफ द कार। तो गाइस सेकेंड हैंड मार्केट में आप जब जाते हो तब लुक्स इतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज आप एक कार कौन सी लेनी है वो डिसाइड करके ही जाते हो और फिर शोरूम्स में उसी कार को ढूंढते हो। तो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर रिट्स स्पेसिफिकली, तो इसकी लुक्स कुछ ऐसी है। लाइक सामने से तो ये काफ़ी अच्छी लगती है, बट पीछे से थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लुक है इसका, एकदम से ऐसी ख़त्म हो गई है ऐसी लगती है। बाकी इट्स अ टॉल बॉय डिज़ाइन। तो गाड़ी की जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है, अराउंड 1700 है शायद। तो हेड स्पेस इसमें बहुत भर भर के मिलेगा आपको। और इसका टायर सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आते हैं 14 इंच के टायर्स, जो कि इसमें अभी जो मेरे पास जो कार है उसमें जो टायर है वो है 165/80 R14। तो 80 का सेक्शन है, जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल टायर्स है। उसके बाद हम सीधा जाते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो उसके लिए हम खोलते हैं इंजन बे। सो कार इज अनलॉक्ड ऑलरेडी, यहाँ से हम खोलेंगे इंजन बे, खोलते हैं और देखते हैं क्या है नीचे, हिसाब किताब कैसा इंजन है। तो हुक है यहाँ पे, यस। तो हाँ, तो गाइस ये है एक 12 ईयर ओल्ड कार का इंजन। कौन सा इंजन है वो बता देता हूँ, दिस इज़ अ K12 इंजन। K12 का मतलब है कि ये 1.2 लीटर का इंजन है, which makes around 87 bhp if I'm not wrong, and around 140 meters of torque at 4000 rpm। 4000 rpm मतलब थोड़ा सा लेट है, बट पेट्रोल इंजन है तो फिर क्या पिक कर लेता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको। एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, पहले तो मैं इसको हुक पे लगा देता हूँ। गाइज अभी स्टार्ट करते हैं इंजन को एंड वी क्रैंक द इंजन। ठीक है, इंजन स्टार्टेड, लेट्स सी। सो इतना आवाज़ नहीं है गाइस, बाकी गाइस बहुत ही साइलेंट इंजन है ये, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता है। अभी बाहर थोड़ा बहुत आवाज़ करेगा, बट अंदर जब बैठते हो ना इसके तो बिल्कुल भी साइलेंट हो जाता है। मतलब कभी बहुत बार तो मैं ना डबल स्टार्ट मार देता हूँ, क्योंकि पता ही नहीं लगता कि इंजन ऑन है या ऑफ है। बाकी गाइस यही है इंजन के बारे में, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंजन। तो गाइस अभी इसको बंद करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है सीट कंफर्ट एंड एर्गोनॉमिक्स ऑफ द कार। सो वी गो ऑन द ड्राइविंग सीट फर्स्ट। तो ड्राइविंग सीट में मैं अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ ड्राइविंग सीट को। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। द डैशबोर्ड बहुत बड़ा सा है, मतलब एकदम एंड तक तो हाथ नहीं पहुँचता है, बहुत बड़ा डैशबोर्ड है इसका। एंड दिस इज़ माई परफेक्ट राइडिंग पोजिशन। पीछे जाके देखते हैं कि कितना स्पेस बचता है फॉर द रियर पैसेंजर्स। सो वी ओपन इट। यहाँ पे मेरा कैमरा वॉच पड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं। और ये
मेरी हाइट गाइस फॉर रेफरेंस 5 feet 8 inches है, तो यहाँ पे देखो ज़्यादा स्पेस नहीं बची है एंड इट्स अ हैचबैक, इट्स अ वेरी स्मॉल कार, तो आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। इस बहुत गर्मी हो गई तो अभी एसी वेसी लगाते देखते कि कूलिंग कैसा कर रहे हैं, तो 1 पे इसको कर देता हूँ मैं और 1 पे एक्चुअली कूलिंग करना स्टार्ट कर देता है। ये बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलता है आपको। तो इसमें मिलते हैं आपको 4 speakers और पावर विंडोज़, तो तब पावर विंडोज़ अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती थी, अभी तो इतना कुछ है नहीं, बट यस इसमें पावर विंडोज़ मिल जाते हैं सब यहाँ पे ही है, ये साइड में काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है। और जो ड्राइवर साइड है ये 1 touch down है, 1 touch up नहीं है, बट 1 touch down तो है, अच्छी बात है। बाकी ये है चाइल्ड लॉक फीचर, चाइल्ड लॉक एंड लॉक अनलॉक का बटन, सेंट्रल लॉकिंग बेसिकली। बाकी सीट का जो कम्फर्ट है बहुत ही अच्छा है एंड यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, काफ़ी कुछ रख सकते हो उसमें, वायर पड़े हुए क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है नहीं, तो ऐसे केबल से ऑक्स से वगैरह करना पड़ता है, और आईफोन यूज़ करते हो तो थोड़ा और एक्सटेंशंस आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ पे ये स्पेस है ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे है ना कुछ भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे पड़े रहते रिसिप्ट या फिर जो भी पार्किंग वगैरह का रिसिप्ट रहता है वो यहीं पर रख सकते हो, ये वाला स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे एक कप होल्डर है जहाँ पे मैंने ये परफ्यूम रखा है जो कि इतना मुझे यूज़फुल नहीं लगता है। यहाँ पे जो ग्लव बॉक्स है डिसेंट साइज़ का है, और ऊपर आपको मिल जाता है ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, बट यहाँ से गिर जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखे डॉक्यूमेंट। यहाँ पे एक वैनिटी मिरर मिल जाता है आपको और बीच में ये लाइट है, नॉर्मल हेलोजन लाइट। मिरर्स की साइज़ है वो काफ़ी अच्छी है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी देती है। एक इसमें प्रॉब्लम है कि इसका जो ए पिलर है वो आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास का पैनल बना हुआ है, और ये पट्टा भी है, तो इतना जो पूरा जो एरिया है ना ये थोड़ा विजन ब्लॉक कर देता है आपका, तो ये एक प्रॉब्लम है। और घाट वगैरह में चलाते टाइम ऐसा आपको आगे पीछे करके चलना पड़ेगा तो ही आपको इसमें अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं सीधा ड्राइव पे एंड ड्राइव रिव्यू मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको, ये गाड़ी ऑन ही है तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे, हम फर्स्ट गियर में डालेंगे एंड हैंड ब्रेक से इसको निकाल देते हैं। सो इसको रोड पे लाते हैं, लॉन्चिंग क्या बोलते हैं जैसे एयरक्राफ्ट लॉन्च होता है ना, तो रनवे पे लाते हैं इसको। तो अभी आ गई है गाड़ी रनवे पे। सबसे पहले मैं अपना सीट बेल्ट लगा देता हूँ, ओके आई एम रेडी, एंड इसको फर्स्ट गियर में डालेंगे एंड लेट्स स्टार्ट द इंजन। ओके, एकदम से पिक कर लेती है थोड़े टाइम बाद, मतलब 2000 3000 में काफ़ी वोकल हो गई है, 4000 में अराउंड 60 का स्पीड है सेकेंड गियर में, नॉट बैड। स्पीड ये काफ़ी अच्छा अटेन कर लेती है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है इसको। एंड इसका पावर कहाँ आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो लेट्स स्टॉप इट एंड स्टार्ट इट अगेन। तो अराउंड 2000 RPM से ना ऐसा किक इन मिलता है आपको, और वो 3000 RPM तक रहता है, 3000 3500 RPM तक, उसके बाद ये इंजन है ना इतना परफॉर्म नहीं करता, एकदम थका हुआ ही लगता है। बाकी इसका एक्सेलरेशन वगैरह दिखा देते हैं अभी करके, ओके यहां से मोड़ लेते हैं। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा हार्ड है गाइस, इतना ज्यादा कंफर्टेबल राइड नहीं है इसकी, बट ठीक है वो चलता है उतना। और इसका जो माइलेज है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है, देखते हैं कितना आ रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी है नहीं वैसी, यहाँ पे आपको माइलेज दिखे, तो तब गाइस ये मिलता नहीं था, अभी ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आ चुका है। तो इसका माइलेज कैलकुलेट करने को आपको मैथ्स करनी पड़ती थी, पेट्रोल डालते टाइम देखना पड़ता था कितना डाला वगैरह, तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कितना आता है। सिटी में गाइस आपको मिलता है अराउंड 9 to 10 अगर आप बहुत रफ चलाते हो, और अगर आप ठीक ठाक चलाते हो तो 11 से 12 मिल जाएगा। और हाईवे पे सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा अच्छा निकाल देती है, अगर आप 80 की स्पीड पे क्रूज़ करते हो तब आपको मिल जाएगा इसमें आराम से जो है 20 या 20 के अबव माइलेज भी मिल सकता है,
और अगर आपको 100 and 120 भगानी है तो उसके बाद आपको थोड़ा कम माइलेज मिलेगा, अराउंड 17 to 18। तो गाइज एक बार लॉन्च करते इसको विदाउट एसी में, अब जो पहले दिखा रहा था वो मैं एसी में था, अभी विदाउट एसी में देखते हैं कैसी पावर है, कैसा क्या है। तो 3, 2, 1 लेट्स। ये था गाइज इसका थोड़ा एक्सेलरेशन, आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी एक्सेलरेट होती है, और काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन है इसका, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी की जो गाड़ियाँ आ रही है ना, मोस्टली जो मारुति की है या फिर टाटा की है, तो इनमें जो एक्सेलरेशन है ना बहुत कम हो गया, ऐसा मुझे फील होता है, बिकॉज उतना पंची लगता नहीं है इंजन। और ये इंजन गाइज काफ़ी पंची है, जो 2000 RPM या 3000 RPM तक काफ़ी पंची रहता है, उसके बाद थोड़ा ढीला सा है इंजन इसका। इसका जो RPM मीटर है ना, एकदम रेस कार वाली वाइब्स देता है, मतलब इसको थोड़ा सा रेस करके देखते हैं, देख रहे हो RPM? सॉरी यार, वाइपर चालू हो गए, अगर मैं इसको भगाना चाहूँ पर, मतलब पंजा दबाओ और गाड़ी भागती है, ऐसी गाड़ी है ये, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इसको भगाने में। लाइक हाईवे पे आप इसको 110 लेके जाओ, 120 लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हैंडलिंग एकदम जबरदस्त। अभी बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो गाइस प्राइस जो है ना इसका, अगर आप 2013 के बाद वाले मॉडल लेते हो तो थोड़ा सा महंगा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा फेसलिफ्ट मॉडल था, एंड डीजल लेते हो तो थोड़ा सा महंगा रहेगा। अगर आप पेट्रोल लेते हो एंड 2013 का पहले वाला मॉडल है, तो आपको 2 लाख या 2 लाख से नीचे ही मिलना चाहिए वो आइडियली। और अगर आप उसके बाद वाले मॉडल्स लेते हो तो फिर थोड़ा सा 2 लाख के ऊपर, मतलब 2,10,000 या 2,20,000 के आसपास मिलना चाहिए, बट 1.5 से 2 लाख में आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, 2013 से पहले वाली पेट्रोल गाड़ी। डीजल गाड़ी आपको थोड़ी कम मिलेगी, और अगर आप कोई रिश्तेदार वगैरह से ख़रीदते हो तो फिर आपको बहुत ही अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। तो गाइस गाड़ी की कंडीशन अगर अच्छी हो तो आप बेशक इसको ले सकते हो। मैंने ये कितने में ली थी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने ली थी एक्चुअली काफ़ी रिनोन्ड जो कि डीलर है वहाँ से, क्योंकि तब मेरे को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था गाड़ी का, और सेकेंड हैंड गाड़ी कैसे जज करते हो उसका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैंने ली थी एक काफ़ी ट्रस्टेड डीलर से, विच इज़ काफ़ी ट्रस्टेड, मतलब पूरे इंडिया में उनके ट्रस्टेड स्टोर्स हैं। तो गाड़ी मुझे उस वजह से थोड़ी सी महंगी पड़ी थी। कितनी महंगी पड़ी थी मैं बता देता हूँ, इसकी प्राइस पड़ी थी मुझे 2,30,000, जो कि 2022 में मैंने ली थी, तो फिर ये थोड़ी सी महंगी है, जो कि लगभग 20 से 30,000, बट 20 से 30,000 महंगी है, बट गाड़ी में 1 रुपये का खर्चा नहीं था तभी। उसके लाइक एक साल बाद मैंने इसके शॉकर बदले पीछे के, क्योंकि वो लीक कर गए थे दोनों के दोनों, बाकी इस गाड़ी में कोई भी खर्चा नहीं था कभी, ये इंजन वाइज या फिर ट्रांसमिशन वाइज कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम स्मूथ गियर्स वगैरह शिफ्टिंग अभी भी है इसकी। को एक अच्छा स्पेशियस केबिन चाहिए और बहुत ही रिलायबल इंजन चाहिए तो बिल्कुल रिट्स ले सकते हो आप, 2 लाख के अंदर मिल सकती है आपको अच्छी कंडीशन में गाड़ी। एंड अगर आपका बजट इससे ज़्यादा है तो आप Hyundai की i20 या फिर बहुत सारी जो दूसरी गाड़ियां है वो उनकी तरफ भी आप जा सकते हो। गाइस दिस वाज माय रिव्यू अबाउट द रेट्स व्हिच आई हैव, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस।